हुसैन दीन है। ये जुमला पहली तकरीर में कह दिया था मैंने, हुसैन दीनदार नहीं है, हुसैन दीन है। जो हुसैन वाला है वो कहलाएगा दीनदार। मजलिस के लिए महदूद वक्त होता है, इसलिए मैं ये जुमला अर्ज कर रहा हूं कि इस तालिबे इल्म के जुमलों में ये ना समझिएगा सिर्फ बयान है, बयान भी है बुरहान भी है। हम तो मकतब हुसैन के तालिबे इल्म हैं, हम मकतब कुरान के तालिबे इल्म हैं। हमने कुरान से यही सीखा है, बात ऐसी कहो कि जहां बयान भी हो बुरहान भी, बयान ही बुरहान बन जाए, बुरहान ही बयान बन जाए। हम जो कह रहे हैं ना दीन है हुसैन, जो हुसैन वाला है वो है दीनदार, जो हुसैन वाला नहीं है वो कुछ भी हो सकता है, दीनदार नहीं हो सकता। और अगर आप इन मिस्रों के खालिक की इस पाकीजा सनात पर गौर फरमाएं कि तीसरे मिस्रे में जहां नाम यजीद आया वहां नाम हुसैन नहीं आया। ये इत्तेफाकी बात नहीं है, ये इत्तेफाकी बात नहीं है, हरगिज नहीं है। और यहीं से मैं एक जुमला कह रहा हूं, समझ लीजिए कि इस्लाम की दो रिवायतें चल रही हैं, एक है इलाही इस्लाम, एक है सियासी इस्लाम। एक है इलाही इस्लाम, इलाही इस्लाम में इस्लाम पर जाने कुर्बान की जाती है, सियासी इस्लाम में इख्तदार पर इस्लाम कुर्बान किया जाता है। छोटे छोटे जुमले बुरहान चाहते हैं क्या? क्या दलील के मोहताज हैं? क्या इस्तेदलाल पेश करने की जरूरत है? तारीख को उचटती हुई निगाह से भी पढ़ लीजिए, ये देखिए उसूल पर तख्तो ताज छोड़ा किसने, ये देख लीजिए कि तख्तो ताज लेने के लिए उसूल को इस्लाम से, इस्लाम के सियासी इख्तदार से मरूफ होकर कलिमा पढ़ा था, उनका इस्लाम सियासी इस्लाम है। जिन्होंने मुस्तफा के किरदार से, अली के किरदार से, जहरा के किरदार से, हसन और हुसैन के किरदार से, इनकी नमाजों से, इनकी दुआओं से, इनकी इबादत और रियाजत से इस्लाम सीखा था, उनका है इलाही इस्लाम। पैगंबर की तबलीग, पैगंबर के खुतबे, पैगंबर की नमाजें, पैगंबर की दुआएं, उस इन दुआओं और नमाजों को देखकर जो मुसलमान हुए उनका इस्लाम है इलाही इस्लाम। पैगंबर का लश्कर देख
कितने फिरके हैं? 72। सिर्फ दो, इलाही इस्लाम, सियासी इस्लाम, हुसैनी मुसलमान। हुसैनी मुसलमान के मुकाबले में जो जी चाहे रख लीजिए, मैं संभाल के कह रहा हूं सियासी मुसलमान। सियासी इस्लाम, हुसैनी मुसलमान, सियासी मुसलमान, और कोई मुसलमान नहीं है, कोई किस्म नहीं है। हुसैनी मुसलमान तौहीद पर जान देता है, सियासी मुसलमान इख्तदार के लिए जान देता है। खुदा आपको बेदार रखे, उसका वजूद जिंदा बेदार है। खुदा आपको भी जिंदगी और बेदारी अता करे। वो लाता खुजहू सनतुम वला नौम है। सो जाना हमारा तबीई जिस्मानी मादी तकाजा है, मगर उसके बावजूद अगर हम कुरान से वाबस्ता हैं, अगर हमारी जबान पर आयतुल कुर्सी का विर्द है, अगर हमने तौहीद मकतबे हुसैन में सीखी है, अगर हमने हुसैन का नाम विर्द जबान किया है, तो हमने ये सबूत भी दिया है कि तूले तारीख में सियासत ने कितनी ही लोरियां दी, हमें गफलत की नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए कि हमें मालूम था, हमें मालूम था और मालूम है कि इलाही इस्लाम क्या है, जौहरे तौहीद क्या है, जौहरे उबूदियत क्या है। बंदगी के लिए हम पैदा हुए हैं। हमारा कमाल इख्तदार यह है कि अल्लाह के सामने आजजी का कमाल जाहिर करें। अगर हम बंदगी में कामिल हैं तो समझिए हमें कामिल इख्तदार हासिल है। अगर हम बंदगी में कामिल हैं तो समझ लीजिए हमें कामिल इख्तदार हासिल है, वरना कुछ भी नहीं। हम खल्क हुए हैं बंदगी के लिए। ये जमीन खल्क हुई है हमारे सजदों के लिए। पैगंबर
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जुइलत लियल अर्द मस्जिदा, जुइलत लियल अर्द मस्जिदा, ये पूरी जमीन मेरे लिए मस्जिद करार दी गई है, ये जमीन सजदे के लिए खल्क हुई है, सजदे के लिए, हमारे मुतकब्बिराना तौर पर चाल चलने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि हम फिरौन बन जाएं, इसलिए नहीं कि हम नमरूद बन जाएं, इसलिए नहीं कि हम यजीद बन जाएं। बहुत वाज़ेह लफ्जों में गुफ्तगू कर रहा हूं, इसलिए एक जुमला और कह दूं, अफसोस होता है जब आज 21वीं सदी में भी कहीं से यजीद को डिफेंड करने की कोशिश होती है। मेरा तो बस एक सवाल है आजिजाना, ये बताइए यजीद जो कुछ भी रहा हो, जिस खानदान से भी हो, नहीं मैं खानदानों की बात नहीं करता, तारीख इस्लाम को खानदानों की सियासत में तब की तारीख में बदलने की कोशिश गलत तौर पर की गई है। तारीख इस्लाम को न जोग्राफियाई हदूद में महदूद किया जा सकता है, इस्लाम और तारीख इस्लाम को, और न नस्लों और खानदानों और खानवादों की के हदूद में, हरगिज नहीं। तारीख इस्लाम जोग्राफियाई और इन नस्ली और कबायली हदूद से बलंतर है, इस्लाम भी, तारीख इस्लाम भी, इस्लाम तो दीन खुदा है, इन दीन इंदल्लाह, इस्लाम अल्लाह के नजदीक दीन, इस्लाम है, दीन का ताल्लुक बनी हाशिम से थोड़ी है, बनी हाशिम की ये सआदत मंदी है कि वो दीनदार रहे। और बहुत से कबाइल हैं जो दीनदार रहे। मसला ये नहीं है कि यजीद किस खानदान से था, क्या था क्या नहीं था, एक सवाल का जवाब दे दीजिए और वो ये है कि यजीद का दिफा करके, यजीद को डिफेंड करके तौहीद की क्या खिदमत हो सकती है। हम तो फर्जंदाने तौहीद से सवाल कर रहे हैं, हम मामूर किस पर हैं, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर हम मामूर किस पर हैं, कलिमे मुहम्मदुन रसूलुल्लाह कहने पर, यही है ना हमारी गरज खिलकत क्या है। वमा खलकतुल इंस वल जिन्न इल्ला लियाबुदून, जिन और इंस की खिलकत किस लिए हुई है, बंदगी के लिए, बंदगी के लिए बस दो चीजें हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अलावा अगर कोई चीज है तो वो अली वलीउल्लाह के अलावा कुछ और नहीं है। अली ने सिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कैसे हैं, अली ने सिखाया मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे के तकद्दस की हिफाजत कैसे करते हैं, इसलिए हम अली वलीउल्लाह कहने पर मजबूर है, यानी अली वलीउल्लाह कहना हमारी इलाही मजबूरी है। अगर हमें तौहीदी जिंदगी बसर करनी है, तौहीदी फिक्र के साथ, तौहीदी अमल के साथ, तौहीदी उसलूब जिंदगी बसर के साथ हमें जिंदगी बसर करनी है, अगर हमें अल हय अल कय्यूम का कलिमा पढ़ना है और जिंदगी का कुछ सबूत फराहम करना है, तो हमें अली का दामन थामना पड़ेगा, अली की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन ये बता दीजिए कि यजीद को डिफेंड करके तौहीद की क्या खिदमत हो सकती है, यजीद को डिफेंड करके मकाम खत्म नबूवत को किस तरीके से आप मदद पहुंचा सकते हैं,
वो जो कह रहा हो लाइबत बनू हाशिम बिल मुल्क फला, अरे बनू हाशिम ने एक सियासी खेल खेला था, वरना ना कोई मलक नाजिल हुआ ना कोई वही नाजिल हुई। जो वही का इनकार कर रहा हो, नबूवत का इनकार कर रहा हो, उसको डिफेंड करके मकाम खत्म नबूवत की खिदमत क्या हो सकती है? तज़किरे को कबूल करने के लिए तैयार हैं जो तज़किरा हमें अहले तौहीद बनाने में मददगार हो। हम हर उस तज़किरे को कबूल करने के लिए तैयार हैं जो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचाए, जो हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंचाए। हर उस तज़किरे के लिए हम तैयार हैं, मगर जो ला इलाहा इल्लल्लाह तक ना पहुंचाए, ला इलाहा तक पहुंचाए इल्लल्लाह न सिखाए, उसको हम कैसे कबूल कर सकते हैं? और इसलिए मजबूरन ये जुमला कह रहा हूं, जहां से भी यजीद को डिफेंड करने की आवाज बुलंद हो, समझ लीजिएगा यह आवाज पहचान है कि यह सियासी इस्लाम है या इलाही इस्लाम। इस्लाम कभी उसूल नहीं तब्दील होता, उसमें वही बात जो अल्लामा इकबाल ने कही है, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज कूफी ओ शामी, बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी ओ शामी। मिसरा दोनों तरह दुरुस्त, और पहला मिसरा वो अपनी जगह दुरुस्त, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी। क्यों हकीकत अबदी है? बज़ाहिर हुसैन पैदा हुए, तीन शाबान इमाम की विलादत की तारीख, दस मुहर्रम इमाम की शहादत की तारीख, इमाम की जिंदगी में बीमारी का भी तज़किरा मिलता है। यह और बात है कि इनकी बीमारी भी सूरह हलका के नुज़ूल का सबब बनती है। ये बीमार होते हैं तब भी याद है खुदा, ये सेहतमंद रहते हैं तब भी याद है खुदा, और इनकी याद खुदा ये शान रखती है कि ये याद खुदा करते हैं खुदा याद हुसैन। शान मोहम्मद यही है, शान अली यही है, शान हसन हुसैन यही है, शान जहरा रही यही है, ये उसकी याद करते हैं वो इनकी याद करता है, इसीलिए तो इनकी शान में आयतें नाजिल होती हैं। ये रिवायतें सिर्फ हमारे मकतबे फिक्र में थोड़ी है, ये रिवायतें मुस्तफीजा हैं, ये अहादीस मुस्तफीजा हैं। बाज रिवायतें हद तवातुर को पहुंची हुई हैं कि आयतें नाजिल हुई किसकी शान में? अहले बैत पैगंबर की शान में, अहले बैत पैगंबर की शान में आयतें नाजिल हुई कुरान मजीद की। क्यों आयतें नाजिल हुई, इसके मानी क्या है? आयतें नाजिल हुई यानी वो इनकी याद कायम कर रहा है। इन्होंने दुआएं की, इन्होंने मुनाजातें की, इन्होंने कुर्बानियां की, उसकी याद को कायम करने के लिए उसने आयतें नाजिल कर दी इनकी याद को कायम करने के लिए। Allah 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 Allah
कायम की, उसने इनकी याद कायम की, ऐसी कायम की कि इनकी हकीकत भी हकीकत अबदी बन गई। जब तक कुरान है, जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद रहेगा। जब तक कुरान है, जब तक कुरान है, क्योंकि कुरान में इनका तज़किरा है, कोई इनकार नहीं कर सकता। कुरान मजीद में इनका तज़किरा है, क्यों है? इसलिए कि इन्होंने खुद को राह तौहीद में फना कर दिया। इसके अलावा कोई दूसरा जवाब नहीं है, न दोस्त के पास न दुश्मन के पास। इन्होंने किसकी राह में कुर्बानियां दी? अल्लाह की राह में। बस मेरा मौजू मुसलसल है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ही वो हकीकत है जो तुम्हारे नफूस में रासिख है, फितरत जिसकी गवाह है, वो हकीकत एक है, बस एक, बस एक। यहां कहा गया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, सूरह मुबारक इखलास, सूरह मुबारक तौहीद, यानी सूरह मुबारक कुल अल्लाह में कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी आयत है अल्लाहु समद, कह दीजिए हबीब कि वो हकीकत कुबरा बस एक है, वो अल्लाह है, उसका नाम है अल्लाह, और वो बस एक है, अहद है, वो यकता है, यगाना है। ये बारहा में कह चुका हूं, और हो सकता है दूसरों दूसरे खुतबा है मिंबर हुसैनी की जबान से भी आपने समाअत फरमाया हो कि वाहिद व अहद का फर्क यह है कि वाहिद के बाद इसनैन की गुंजाइश है, अहद के बाद इसनैन की गुंजाइश नहीं है। आज की साइंसी जबान में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि वाहिद न्यूमेरिकल वननेस की तरफ इशारा है, अहद अन्यूमेरिकल वननेस है, वो वननेस जिसमें दो ही का गुजर नहीं आए। अल्लाह को एक आदत में मुनहसर नहीं किया जा सकता, वो अहद है, वाहिद भी है अहद भी है। ये फलसफा बजाय खुद बहुत दकीके बहुत बहस चाहता है। अहले तहकीक अहले तौहीद ने सिर्फ मकाम वाहिदियत और मकाम अहदियत और मकाम समदियत की जो तशरीह की है उसके लिए हजारों सफ़े लिखे गए। उन सफ़हात का खुलासा इस वक्त इस मजलिस में बयान नहीं कर सकता लफ्जों में, एक इशारा सिर्फ कर रहा हूं। चूंकि तौहीद हमने मकतब हुसैन से सीखी है तो एक रेफरेंस देता हुआ आगे बढ़ूं। साहिब बलागतुल हुसैन ने हवाला दिया है कि अपने वक्त के एक बहुत बड़े आरिफ ने हजरत सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम की खिदमत में खत लिखा है, और उसमें लिखा है कि हमें सब कुछ समझ में आ गया, ये लफ्ज समद के मानी समझ में नहीं आते। कुरान सामित को कुरान नातिक ही समझा सकता है, समझ के मानी समझ में नहीं आते तो कोई और नहीं समझाएगा, हुसैन बताएंगे। हुसैन जो मंतिक़े कुरान से वाकिफ हैं, हुसैन जो उसलूब कुरान से वाकिफ हैं, उसलूब कुरान, उसलूब कुरान, लहजे कुरान, हुसैन जो जिंदा डिक्शनरी है कुरान की, और फरमाया आपने मकतब हुसैन में तौहीद का तस्करा हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। अलबत्ता ये फर्क भी इशारा पहली ही तकरीर में किया था, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ती रही मुख्तलिफ जावियों से, मगर अर्ज कर रहा हूं कि हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से जो मंसूब हैं चार मिसरे, उसमें जो आखिरी मिसरा है वो क्या है? हक्का के बिना इलाह इलास्त हुसैन। और यहां सिर्फ ला इलाह कहने की एक हिकमत है, इसलिए कि कोई इस मिसरे से गुमराह नहीं हो सकता, क्योंकि दीन का जिक्र पहले आ चुका है। दूसरे मिसरे में
दीन का जिक्र आ चुका, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। जब हुसैन दीन है और दीन पना है, तो फिर सिर्फ ला इलाहा कहने के मानी में किसी को इबहाम और इश्काल नहीं पैदा हो सकता, वाज़े है। अलबत्ता इसमें यह भी हिकमत है मुस्तजाद कि ला इलाहा इसलिए भी कहा है कि हकीकत में ला इलाह कहना भी बहुत रियाजत चाहता है। बहुत रियाजत चाहता है, गुजारिश कर चुका हूं, सिर्फ तजक्कुर है, याद दहानी है। इसलिए कि अलबत्ता ये आयतें हवाले में पेश नहीं की थी जो इस वक्त जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि जब कुरान मजीद नाजिल हुआ और पैगाम तौहीद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उस वक्त भी वो कुफार वो मुशरिकीन वो शुआराए जमाने जाहिलियत वो लफ्ज़ अल्लाह से आशना थे, लफ्ज़ अल्लाह से आशना थे, इससे भी आशना थे कि खालिक एक ही है। कुरान मजीद में इसकी नजीरें मौजूद हैं। सूरह मुबारक अनकबूत में इरशाद इलाही है, वलाइन सअलतहुम मन खलक़ السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله। अगर आप इनसे पूछें, इन्हीं से पूछें कि कौन है, मन खलक समावात वल अर्ध, किसने आसमानों को पैदा किया, किसने जमीन को पैदा किया, वसखर शम्स वल कमर, किसने आसमान और किसने सूरज और चांद को मुसखर किया, लयकूलुन अल्लाह, ये बेशक कहेंगे कि अल्लाह है, यानी खालिक कायनात के तौर पर भी, मुदब्बिर कायनात के तौर पर भी, तस्खीर तदबीर है, तस्खीर तदबीर है। कुरान की आयत है, इनसे पूछिए ये कहेंगे अल्लाह, ला यकूलुन अल्लाह। इसके बाद फिर इसी सूरे में गालिबन ये आयत भी है कि वला इंसअलतहुम मन नज़ल मिन अस्समाए मान फाहिया बिहिल अर्दा मिन बाद मौतिहा ला यकूलुन अल्लाह। अगर आप इनसे ये पूछें कि वो कौन जात है जिसने आसमान से पानी बरसाया और मुर्दा जमीन को मर जाने के बाद जिंदा किया, ये कहेंगे अल्लाह। कुरान कुरान मजीद कह रहा है कि अगर आप इनसे पूछें खालिक कौन है आसमानों और जमीनों का, ये कहेंगे अल्लाह। अगर आप पूछें कि सूरज और चांद का तस्खीर करने वाला कौन है, ये कहेंगे अल्लाह। अगर आप पूछें कि बारिश बरसाने वाला कौन है, ये कहेंगे अल्लाह। अगर आप पूछें कि जमीन को मर जाने के बाद जिंदा करने वाला कौन है, ये कहेंगे अल्लाह। यानी अल्लाह को बहैसियत खालिक कुल तस्लीम करने में इन्हें कोई एतराज नहीं है, बंदगी में एतराज है। अल्लाह को अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि आप इनसे पूछिए कि खालिक कौन है आसमानों और जमीन का, ये कहेंगे अल्लाह। तो ये तो अल्लाह के मोतरिफ हैं, फिर अल्लाह ने नबी को क्यों भेजा? खुद मालिक तो खुद फरमा रहा है कि ये तेरा एतराफ करते हैं, तो अब मजीद किस लिए भेजा नबी को? खालिक के तौर पर तुझे कबूल करते हैं और तेरे इसी नाम से नाम भी नहीं बदला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये सब के सब कहेंगे अल्लाह। यानी ये बुतपरस्त, ये मुशरिक, ये काफिर, ये जो लातो हुबल और उज्जा वगैरह वगैरह वगैरह, ये इतने बुतों और खुदाओं को की परस्तिश करते हैं, बंदगी करते हैं,
یہ سب کہیں گے زمینوں کا خالق اللہ، آسمانوں کا خالق اللہ، سورج کو تسخیر کرنے والا اللہ، چاند کو تسخیر کرنے والا اللہ، پانی برسانے والا اللہ، جب یہ تیرا ہر قدم پہ نام لے رہے ہیں، تیرا اعتراف کر رہے ہیں، تیرا انکار نہیں کر رہے ہیں، تو رسول کو کس لیے بھیجا؟ مسئلہ جواب یہ ہے، مسئلہ نام کا نہیں ہے، مسئلہ اعتراف کا نہیں ہے، مسئلہ اطاعت و بندگی کا ہے کہ جب یہ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، میرا نام جانتے ہیں، تو اطاعت کسی غیر کی کیوں کرتے ہیں؟ پیغمبر تشریف لائے تھے اس میں مبارک اللہ سکھانے کے لیے نہیں، لا الہ الا اللہ سکھانے کے لیے، صرف لفظ اللہ سکھانے کے لیے نہیں، لا الہ الا اللہ سکھانے کے لیے۔ یہ لا الہ الا اللہ سکھانے کے معنی کیا ہیں؟ جب تمہیں معلوم ہے کہ خالق وہ ہے، معبود ہے کہ بارش برسانے والا وہ ہے، معبود ہے کہ مردہ، معلوم ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا وہ ہے۔ مردہ زمین کو زندہ کرنے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی زمین کو زرخیز بنانے والا وہ ہے، یعنی زمین سے گیہوں اور جو اگانے والا وہ ہے، یعنی رزق دینے والا تمہیں وہ ہے۔ یہ جانتے ہو، تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے، پھر بھی بندگی کرنے کے لیے غیر کے پاس چلے جاتے ہو، یہ اس کی غیرت کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اس کی غیرت یہ قبول نہیں کر سکتی کہ تم بندگی کسی اور کی کرو۔ اور یہ غیرت بھی درمیان میں کیوں آ گئی ہے؟ یاد رکھنا، یہ بیان توحید، خدا اپنی توحید کے اعتراف کا بھی نیاز مند نہیں ہے۔ اگر تم کسی غیر کی بندگی کر کے سر بلند ہوتے تو خدا بندگی سے نہ روکتا، غیر کی بندگی کر کے چونکہ تم ذلیل ہو رہے ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بندے ذلیل ہو جا۔ چاہتا ہے عزت، وہ تمہاری سرفرازی چاہتا ہے سرفرازی، وہ تمہاری سربلندی چاہتا ہے سربلندی، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے تم ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو، پستی میں جا رہے ہو، اس لیے اس کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، میرے بندے ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، مثال لیتے جائیے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی غیور باپ، کوئی غیور ماں، کوئی شفیق باپ، شفیق ماں، بیٹے نالائق ہو جائیں، باپ کا انکار کر دیں، گھر سے نکل جائیں، اگر وہ بیٹے خوشحال نظر آئیں گے نا، تو آپ اکثر ماں باپ کو کہتے ہوئے سنیں گے، ٹھیک ہے ہماری قدر نہیں کرتا، مگر ہم نے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے، ہم اس میں خوش ہیں کہ وہ خوش تو ہے۔ معاشرہ، سماجیات، ہماری معاشرتی قدریں جو شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں، اکثر آپ یہ ماں باپ کی زبان پہ سنیں گے، بھائی وہ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، لندن چلا گیا، ملک سے باہر چلا گیا، یا شہر چھوڑ دیا، وہ کہیں بھی ہے، بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے اسے، وہ باپ سے زیادہ اپنے باس کو چاہنے لگا ہے، باپ بیمار پڑا تو بیٹا بیمارستان میں ہاسپٹل میں دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا، لیکن باس بیمار پڑ گیا کمپنی کا مالک، تو بیٹا 24 گھنٹے ہاسپٹل میں موجود رہا،
باپ کو یہ بات بری لگتی ہے مگر جب دیکھتا ہے رزق سے تو لگا ہوا ہے نا, روزی روٹی تو کما رہا ہے, خوش تو ہے, بھوکا تو نہیں مر رہا ہے, ذلیل تو نہیں ہے. باپ کہتا ہے میں خوش ہوں, بیٹا سلامت تو ہے, لیکن اگر یہ بیٹا باپ سے جدا ہو کر ذلیل نظر آئے, کہیں سڑک کے کنارے پڑا ہوا نظر آئے, بھوکا نظر آئے, دوسرے کی تعریف کرے, پھر بھی جس کی تعریف کرے وہ ایک لقمہ کھانے کو نہ دے, تو یہ باپ جائے گا بیٹے میں تیرا باپ ہوں, میں تجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتا. جب تک یہ بیٹا خوش تھا دوسرے کی سرپرستی میں رہ کر بھی باپ کی غیرت جوش میں نہیں آئی تھی, مگر جب دیکھا دوسرے کی سرپرستی کا دم بھرتا ہے, مگر جس کی سرپرستی کا دم بھرتا ہے وہ ایک لقمہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا, ایک لقمہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا. پدرانہ شفقت جوش میں آئے گی, غیرت جوش میں آئے گی, جا کر کبھی رحمت سے, لطف سے, شفقت سے باپ سمجھائے گا, کبھی غیظ و غضب سے سمجھائے گا. سمجھا رہا ہوں, گھر واپس آ جا, ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ یہی توحید طلبی یہی ہے, سجدہ طلبی یہی ہے. میرے بندے تو جانتا ہے میں خالق ہوں, زمین و آسمان کا خالق میں ہوں, شمس و قمر کا مسخر کرنے والا میں ہوں, بارش برسانے والا میں ہوں, تو جانتا ہے. پھر ایسے بتوں کی پرستش کرتا ہے جو نہ بارش برسا سکتے ہیں نہ ایک لقمہ غذا دے سکتے ہیں. کہو لا الہ الا اللہ. جب کہیں ادھر ادھر کوئی جاتا ہے, جب ادھر ادھر کوئی جاتا ہے جہاں ذلت کا سامنا ہو, جہاں ذلت کا سودا ہو, جہاں ذلت کا خسارے کا سودا ہو, وہاں اللہ توحید یاد دلاتا ہے. لیکن اللہ نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو ہیں بندے, خدائی شان رکھنے کے باوجود جب بھی کوئی ان کے پاس آتا ہے تو سجدہ کرواتے ہیں, کلمہ پڑھواتے ہیں. آنے والا کہتا ہے ہم تو آپ کو خدا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میں بھی سجدہ کرتا ہوں, تم بھی سجدہ کرو, میں بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہوں, تم بھی اس کا کلمہ پڑھو, میں بھی بندہ ہوں, تم بھی بندے ہو, میں بھی غذا کھاتا ہوں, تم بھی غذا کھاتے ہو. پیغمبر اکرم کا یہ جملہ یاد ہے نا, انا آکل کما یاکل الفقیر واجلس کما یجلس الفقیر. میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک فقیر کھانا کھاتا ہے, میں ایسے زمین پر بیٹھتا ہوں جیسے ایک فقیر نادار زمین پر بیٹھتا ہے. ورنہ مصطفیٰ جب چاہتے ہر وقت ان کی غذا بہشت سے آتی. اگر عیسیٰ کے لیے ایک بار دسترخوان آ سکتا ہے تو محمد کے لیے ہزار بار دسترخوان آ سکتا. ریفرنس ہے, قرآن نے نقل کیا, اگر عیسیٰ کے لیے ایک بار دسترخوان آسمان سے آ سکتا ہے, مائدہ نازل ہو سکتا ہے, تو سنت الہیہ معلوم ہو گئی, امکان اور عدم امکان کا مسئلہ حل ہو گیا. ایک بار دسترخوان آ سکتا ہے تو پھر ہزار بار بھی آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا تو ایک بار بھی نہیں آ سکتا. اور اگر عیسیٰ کے لیے آ سکتا ہے تو محمد کے لیے بھی آ سکتا ہے, عیسیٰ کے لیے آ سکتا ہے تو علی کے لیے بھی آ سکتا ہے, عیسیٰ کے لیے بھی آ سکتا ہے تو زہرا کے لیے بھی آ سکتا ہے. زہرا تو زہرا ہے, زہرا کی کنیز فضا کے لیے آ سکتا ہے. زہرا تو زہرا ہے,
عیسیٰ کے لیے دسترخوان نازل کر سکتا ہے، جو خدا مریم کے لیے تازہ غذا مہیا کر سکتا ہے، وہ زہرا کی کنیز فضا کے لیے بھی کر سکتا ہے، مگر فضا کا آقا محمد مصطفیٰ زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم خدا نہیں ہیں۔ علی مرتضیٰ جو کی روٹیاں گھٹنے سے توڑ کے تناول فرماتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، ہم معبود نہیں ہیں، ہم معبود نہیں ہیں، وہ ہے معبود برحق۔ ہم تو آئے ہیں تاکہ تمہیں کلمہ سکھائیں، تاکہ تمہیں بندگی سکھائیں، تاکہ تمہیں توحید سکھائیں، تاکہ تم ذلت کی زندگی سے نجات پا جاؤ، ذلت کی زندگی سے نجات پا جاؤ۔ محمد کا پیغام یہی ہے توحید، علی کا پیغام یہی ہے توحید، زہرا کا پیغام یہی ہے توحید، حسن کا پیغام یہی ہے توحید۔ حسین کا پیغام یہی ہے توحید۔ کلمہ کے حضرت سید الشہداء میں کہا کہا توحید کا بیان آیا ہے، کس نزاکت کے ساتھ، کس ظرافت کے ساتھ۔ مجھے تو یہ 10 دن گزر گئے اور بہت کم موقع ملا کہ میں کلمات حضرت سید الشہداء نقل کر سکوں۔ اس آیت الکرسی کی بھی پوری تفسیر مکمل نہیں ہو سکی، زندگی رہی تو آئندہ، لیکن اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس آیت کی تفسیر کی شان یہ ہے کہ جس جلال و جمال کے ساتھ یہ ذات حق، ذات صمد کا تعارف کراتی ہے، اسی ظرافت و لطافت و نزاکت کے ساتھ اس کے ان بندوں کا بھی تعارف کراتی چلتی ہے جو اس کی توحید کے محافظ ہیں، جو اس کے امانت دار ہیں، جس کو اس نے اپنی طرف سے شفاعت کا اذن دیا ہے۔ بس اب وقت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے اور میرے سینے میں طاقت بھی نہیں ہے، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے۔ سرکار سید الشہداء، اسی آیت الکرسی میں دو مقامات ہیں، بس اب سن لیجئے تفصیل، اور اس میں جو لطافتیں ہیں اور جو نکات ہیں ان کا بیان کبھی اور۔ ایک مقام ہے جہاں علم الہی کا بیان ہے کہ اللہ کو ہر شے کا علم ہے، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء۔ کسی کو، وہ ہر شخص کے متعلق، ہر فرد کے متعلق، پوری کائنات کے متعلق مکمل علم رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ مکمل علم۔ ان کے پیچھے کیا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، ان کے آگے کیا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ یعنی اگر کسی ایک فرد موجود کا کو تصور میں لائیں تو اس کے پیچھے جو سلسلہ علل ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے، اس کے آگے جو معلولات کا سلسلہ ہے اور آثار کا، اس کا علم ہی پروردگار کو ہے۔ توجہ ہے، ایک یہ مقام علم کا۔ دوسرا ایک بہت اور نازک مقام ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس پروردگار کے حضور میں پہنچ کر کسی کی شفاعت کر سکے مگر وہ جسے خود اس نے اذن دیا ہو۔ یہ دونوں جگہ ایک مگر کیوں لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں اس نے اپنی مشیت سے علم دیا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہیں اس نے شفاعت کا اذن دیا ہے۔ اس نے علم بھی دیا ہے، اس نے شفاعت کا اذن بھی دیا ہے۔ علم کسے دیا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی ایک سادہ سی پہچان ہے، وہ ذات مقدس جو آنے والے واقعات کو بے کم و کاست بتا دے۔ اس کا علم کا سورس کیا ہو سکتا ہے سوائے ذات حق کے، جو آنے والے واقعات کو بتا دے،
उसका इल्म का सरचश्मा क्या हो सकता है सिवाय जाते हक के। आप देखिए, अब वक्त में गुंजाइश नहीं है, मजलिस के तकाजे कुछ और चाहते हैं। पैगंबर ने जो कुछ मुस्तकबिल इंसानियत और मुस्तकबिल कायनात के बारे में कहा, उसकी तरफ इशारे का मौका नहीं है। मौला अमीरुल मोमिनीन जो फरमाया, उसकी तरफ भी इशारे का मौका नहीं है। मगर इमाम हुसैन जब चले हैं मदीने से, तो जनाब बीबी उम्मे सलमा तशरीफ लाई। और रुखसत होते वक्त खुद हुसैन उनकी खिदमत में भी तशरीफ ले गए। बीबी ने फरमाया, बेटा हुसैन करबला ना जाओ, इराक ना जाओ, इराक ना जाओ, इराक ना जाओ। उस रिवायत में इराक लफ्ज, इराक ना जाओ। मालूम है इमाम ने जवाब में क्या कहा? या उम्मा अना अलमो अन्नी मक्तूल मज़बूह ज़ुल्मा। मादरे गिरामी, मैं जानता हूं कि मैं अज़राहे जुल्म कत्ल किया जाऊंगा, ज़बह किया जाऊंगा। अज़रुकुम अल्लाह। ये हुसैन कहां से जानते हैं? ये हुसैन कहां से जानते हैं? यही फिक्रे हैं, हजारा बार आपने सुने होंगे। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, एक तरफ कुरान मजीद कह रहा है कि कोई उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकता, इल्ला बिमा शा, मगर वो जिसको अल्लाह चाहे। और इधर ये मुस्तकबिल की बातें बता रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं कि मुझे मालूम है मैं कत्ल किया जाऊंगा, इन्हें मालूम है अकबर भी कत्ल किया जाएगा, इन्हें मालूम है असगर भी कत्ल किया जाएगा, इन्हें मालूम है, इन्हें यह भी मालूम है। इल्ला बिमा शा, 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 लफ्ज शा याद रखिएगा। इस शा और यशा को सुन लीजिए। इमाम से जब कहने वालों ने कहा, आप बारहा सुनते रहते हैं, इमाम से जब कहने वालों ने कहा, आका जाना ही है, फैसला कर लिया है, आप अपना फैसला तब्दील नहीं करना चाहते, इराक जाना चाहते हैं, आप तशरीफ ले जाएं, अहले हरम को न ले जाएं, बीवियों को न ले जाएं, इमाम ने क्या फरमाया? शाअल्लाह अय्यराहुन सबाया। अल्लाह की मशीयत यह है कि इन्हें अपनी राह में असीर देखे। अज़रुकुम अल्लाह। अल्लाह की मशीयत यह है कि वो इन्हें असीर देखे। जब दो सिफतें साथ साथ बयान हों और एक सिफत का सुराग मिल जाए, तो दूसरी सिफत की मौजूदगी का यकीन खुद ब खुद पैदा हो जाता है। जब हमने ये देख लिया कि अल्लाह ने इल्म इन्हें दिया है, तो ये यकीन खुद ब खुद पैदा हो जाता है कि यकीनन हक़ शफाअत भी इन्हीं को दिया है। इन्हें अल्लाह ने इल्म दिया है, इन्हीं को अल्लाह ने हक़ शफाअत दिया है। मगर अजीजो, ये हक़ शफाअत मामूली कीमत पे नहीं दिया है। मैं मजबूर हूं, मेरी जबान में और कोई लफ्ज सामने नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा, मैंने कीमत का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। क्या कुर्बानियां हुसैन ने पेश की हैं, तो इसने शफाअत हासिल फरमाया है, ये हक शफाअत हासिल फरमाया है। अल्लाहु अकबर। ये उस रिवायत में भी है जो रिवायत हम तक पहुंची है मदरसे अहले बैत से, कि पैगंबर ने खुद फरमाया था जब 27वीं और 28वीं रजब की दरमियानी शब में, दरमियानी रात में हुसैन कब्र पैगंबर पे तशरीफ ले गए और कहा, नाना अब मेरा मदीने में रहना मुश्किल हो गया है। नाना को देखा, नाना ने कहा, बेटा वो नहीं आओ, खुरुज इलल इराक, इराक की तरफ जाओ। सरकार सैयदुल शुहदा ने कहा, नाना मुझे अपने सीने से लगा लें अपनी कब्र में, बस अपने साथ यही सुला लें, अब दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं है। उस वक्त पैगंबर ने फरमाया, बेटा हुसैन
अगर तुमने ये कुर्बानियां नहीं दी तो अल्लाह तुम्हें हक शफात कैसे अदा करेगा? हक शफात तुम्हारे लिए महफूज है, हक शफात तुम्हारे लिए महफूज है, मगर इस राह से गुजरना होगा। हुसैन मदीने से चले 28 रजब सन 60 हिजरी, 3 शाबान सन 60 हिजरी, 3 शाबान सन 60 हिजरी को मक्के पहुंचे, 8 ज़िलहिज्जा सन 60 हिजरी को मक्का छोड़ा, 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुसैन करबला में वारिद हो गए। ये तमाम वाकयात बतफसील आपके पेश नजर हैं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। और आज ये मजलिस कौन सी मजलिस है? ये मजलिस शाम गरीबा की मजलिस है। शाम गरीबा के मानी क्या हैं? शाम गरीबा के मानी है हुसैन ज़बह हो चुके, शाम गरीबा के मानी ये हैं कि 6 माह का असगर या साल भर की जान शीर खार असगर अपने गुलूए खुश्क पर खुश्क गले पर तीरे से शोभा खाकर ज़बह हो चुका। शाम गरीबा के मानी ये हैं कि कासिम जिंदा घोड़ों की टापों से पामाल हो चुके। शाम गरीबा के मानी ये हैं कि अकबर अपने सीने पर बर्छी का फल खाकर एड़िया रगड़ रगड़ के दम तोड़ चुके। अजरकुम अल्लाह। शाम गरीबा के मानी ये हैं कि ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है। शाम गरीबा के मानी ये हैं ज़ैनब के ज़ैन सकीना के रुखसार पे तमाचे लग चुके। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। वक्त खत्म हो गया, मजलिस तमाम हो चुकी। माल मजलिस आपका गिरिया है, मजलिस तमाम हो चुकी। शाम गरीबा है, शाम गरीबा। इस शाम गरीबा में हू का आलम है, सन्नाटा है। गौर से सुनिए, शब आशूर और शाम गरीबा में एक फर्क है। शब आशूर हुर ने गौर से सुना तो छोटे छोटे बच्चों की आवाज आ रही थी, आला ताश आला ताश आला ताश। शाम गरीबा सिसकियों की आवाजें हैं, गिरिए की आवाजें हैं, और सिसकियों और गिरिए की आवाजों के दरमियान अगर कोई आवाज है तो हुसैन का बेटा इमाम तौहीद, इमाम तौहीद, इमाम तौहीद, अमानत दार ला इलाहा इल्लल्लाह, सैयदुस साजिदीन जले हुए खैमों की राग के दरमियान सजदा करके कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान व तस्दीका, ला इलाहा इल्लल्लाह उबूदियत व रिक्का, सजद तो लका या खाक नशीनों पे सोगवारों का गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का, सलाम उन पे जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है, सलाम उस पे
जो ज़हमत कशे सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहजादी पर, के जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने जिसे बेबसी दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। असीर हो के जिसे शामियों के नरगे में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है। ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी, कहाँ पर बैठी हो खेमे तो जल गए बीबी। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में, कहाँ हो शाम गरीबा के घुप अंधेरे में। जमीन ने गर यतीमी की सख्तियां बीबी, वो सीना जिस पक्के सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाबे मादरे बेशीर को भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों के पयाम, अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढे, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढे। नए इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी,
तुम्हारी मांग भी उजड़ी है, कोख भी उजड़ी, नहीं लाइनों में इंसान कोई खुदा हाफिज, दरिंदे और ये बेवारसी खुदा हाफिज, शरीक के हक के दुरूदो सलाम पैगंबर, सलाम सैयदे लौलाक के लुटे घर पर, सलाम तुम पे रसूलो बतूल के प्यारो, सलाम मेरे शहादत के गिर्द सैयारो, सलाम मोहसिने इस्लाम खस्ततन लाशो, सलाम तुम पे शहीदों के बेकफन लाशो, बच्चे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हुसैन I'm not.